2017 में मैं DGPR में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मेरा इंटरेक्शन जो है समय न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर से हुआ। जब उन्हें पता लगा कि मैं लिखने का शौकीन हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपने पीस ऑफ राइटिंग्स मुझे भेजें। बींग एन इंडिविजुअल, अगर मैं सुबह उठ जाता हूँ और जॉगिंग करता हूँ, तो आप लोग तो इसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे ना। या मैं नाश्ते में क्या खाता हूँ, इसे जानने में किसे इंटरेस्ट होगा? मेरे इंटरेस्ट क्या क्या हैं, मुझे किस किस चीज़ का शौक है, इसे जानने का आपको तो कोई शौक नहीं होगा। अब लियो और जैक लियो और जैक से इंट्रोडक्शन में अब हर बंदा तो इंटरेस्टेड होगा नहीं। या घर में और कौन कौन से पेट्स मैंने रखे हुए हैं, इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सी बाइक राइड करता हूँ, या कौन सा गियर यूज़ करता हूँ, या मैं कौन सा जिम जाता हूँ, या मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूँ, या मैं किस किस से मिलता हूँ, या मैं खाता किसके साथ, या मैं कौन कौन सी जगह विजिट करता हूँ, ये सब बातें आपके लिए मैटर ही नहीं करती। वीडियो में बाकी सारे एलिमेंट्स, बाकी सारे शॉर्ट्स सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए थे। जो वीडियो का मेन मकसद था वो ये मेरी और आपकी बात है। 2017 में मैं DGPR में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मेरा इंटरेक्शन जो है समय न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर से हुआ। जब उन्हें पता लगा कि मैं लिखने का शौकीन हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपने पीस ऑफ राइटिंग्स मुझे भेजें और मैं उन्हें कंसिडर करूँगा। मैंने शौक में 350 का एक बड़ा सारा कॉलम लिखा और उन्हें भेज दिया। उन्होंने अगले ही दिन पब्लिश किया, और जब पब्लिश किया तो वो इतना पब्लिश किया, मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर आपने मेरा सारा कॉलम काट दिया। तो उन्होंने जो बात कही वो पहले यहाँ लगी, फिर यहाँ लगी, और फिर यहीं पे बैठ गई। वो कहते कि अली आपके कॉलम में मैं बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा सर मैंने जिन जिन के कॉलम्स पढ़े हैं उनमें जावेद चौधरी है, हारून रशीद है, रऊफ क्लासरा है, और बहुत सारे कॉलमिस्ट हैं, वो सारे कॉलम्स जो हैं वो मैं से शुरू करते हैं और मैं पे ख़त्म कर देते हैं। तो चीफ एडिटर ने कहा कि अली वो जावेद चौधरी है, वो हारून रशीद है, आप कौन है। बात उसकी बिल्कुल ठीक थी कि मुझे कोई क्यों पढ़ेगा। और जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो बहुत सारे दोस्तों ने मशवरे दिए कि अली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर। तो यही बात मेरे माइंड में बैठ चुकी थी कि अरे तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हें कौन सुनेगा। बट जैसे जैसे चैनल ग्रो किया, मतलब ग्रो कर रहा है, और अब हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट करने वाले हैं, सिर्फ 999,000 और कुछ सैकड़े जो है वो बच गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट कर जाएंगे। तो उन सारे उन सारे सब्सक्राइबर्स में अगर एक बंदा भी आपको सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है, तो आप उसके लिए बोलें। तो ये वीडियो आपके लिए है।
वैसे ये बात चीफ एडिटर ने जावेद चौधरी को भी कही होगी कि वो मजीद निज़ामी है, तुम कौन हो। तो चीफ एडिटर की इस बात से अगर जावेद चौधरी डीमोटिवेट हो जाता तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा लिखारी और एक बहुत बड़ा जादूगर उससे हम महरूम हो जाते। तो चीफ एडिटर की इस बात से मैं भी डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने अपनी राइटिंग्स में से मैं निकाली और फिर कुछ इस साइज़ के कॉलम्स पब्लिश हुए और अखबार में तस्वीर आने लग गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि फीचर पेज पूरा मेरे नाम से भरने लग गया। अब वही बात यहाँ यूट्यूब पे भी अप्लाई होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरा नाम मोहम्मद अली राव है और आप देख रहे हैं क्रिएटिव टैलेंट। क्लियर ऑडियो के चक्कर में जो है पूरी शर्ट मेरी पसीने से भर गई।